नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो थी जो कि SOL से रिलेटेड थी, जो आपको प्रमोटेड किया गया था, उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कमेंट आए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कौन से बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कौन सा और कौन से बच्चे असाइनमेंट देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, देखते रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस आई है 4 जून को आई थी, मैंने पहले भी आपको बता चुका था। बस जो दोस्तों, इसमें डिफरेंस ये थी कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि वो स्टूडेंट है कि नहीं है, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, वो पास नहीं हो पाए तो क्या वो फिर से एग्ज़ाम दे रहेंगे, क्या करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगा स्टूडेंट क्या होते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में होते हैं और उनका फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्लियर नहीं होता दोस्तों, उसमें किसी न किसी में बैक आ गया दोस्तों, ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं दोस्तों, वो स्टूडेंट कहलाते हैं, वो जुलाई में एग्ज़ाम देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट यानी थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिनकी सेकेंड और फर्स्ट में बैक है दोस्तों, तो वो स्टूडेंट को स्टूडेंट कहते हैं और वो जुलाई में एग्ज़ाम देंगे OBE मोड पे दोस्तों। और दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो अपना एक भी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में नहीं दिए थे किसी कारणवश, या किसी कारणवश फेल हो गए थे, तो वो दोस्तों आप जो कि रिपीट कर रहे हैं अगर कोर्स को, जो अपना एक साल जो रिपीट कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों असाइनमेंट बनाना है, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। और जो दोस्तों सेकेंड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में दोस्तों आप फेल हो गए हैं पूरे तरीके से और आप फिर से सेकेंड ईयर रिपीट कर रहे हैं, तो आपको भी असाइनमेंट बनाना है दोस्तों अब आप सेकेंड ईयर में हैं और आपका फर्स्ट ईयर में एक बैक आ गया था दोस्तों, किसी सब्जेक्ट में आपका बैक आ गया था, तो वो आप बैक आपको 2021 में क्लियर करना है, ना कि अभी क्लियर करना है दोस्तों। दोस्तों, बात करें जो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट की जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो क्या करें, वो दोस्तों अपना असाइनमेंट बनाए, उनका असाइनमेंट से 100% आपका रिजल्ट आएगा। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको दोस्तों 50% फर्स्ट ईयर के मार्क्स और 50% असाइनमेंट के मार्क्स से दोनों को ऐड करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर में जो हैं उनके सेकेंड और फर्स्ट ईयर में बैक है, उनका एग्ज़ाम होगा, सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम होगा जो थर्ड ईयर में है और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में बैक है, तो उनका OBE जुलाई 1 से स्टार्ट है दोस्तों एक और स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा जिसने इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल किया था दोस्तों, जो सेकेंड ईयर में है और वो थर्ड ईयर में है और वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो फॉर्म फिल किए हैं उनका भी एग्ज़ाम जो 1 जुलाई से सेम डेट पे सेम शेड्यूल डेट पे होगा दोस्तों तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट करके बताइए आपको कोई इशू आता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।